जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है आपके लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके लिए बता दें कि अनअकैडमी यहाँ पर लेकर आया है आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें एमपी के टॉप एजुकेटर से आपको यहाँ पर पढ़ने का सुनहरा मौका है, जिसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले वीकली यहाँ पर 300 से ज्यादा यहाँ पर फ्री लाइव क्लास होती है, जिसमें आपके डाउट क्लियर जो सेशन भी होता है। फिर यहाँ पर आपके जो है डेली T20 फ्री लाइव क्विज भी होते हैं, 20 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं 8 PM पर। यहाँ पर आपकी फ्री लाइव क्लास होती है और यहाँ पर आपके फ्री क्विज भी यहाँ पर लाइव क्विज उपलब्ध है, जिसमें 20,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। वीकली आपके यहाँ पर फ्री लाइव मॉक टेस्ट भी होते हैं। ये जो सभी हैं, इन फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करना है अनअकैडमी ऐप और इसमें आपको जो है सिलेक्ट करना है MPPSC एंड व्यापम यहाँ पर, और इसके बाद आपको क्या करना है, रेफरल कोड के रूप में यहाँ पर यूज करना है सुमित जैन। सुमित जैन रेफरल कोड यूज अवश्य करें, सुमित जैन। फिर इसके बाद यहाँ पर MPPSC ब्रह्मास्त्र है, जिसमें आपको यहाँ पर क्या है 150 घंटे का फ्री रिवीजन कैंप यहाँ पर चल रहा है। ये जो है 10 से 12 जनवरी तक 2021 तक चलेगा, जिसमें फ्री 50 फ्री लाइव सेशन आपके लिए उपलब्ध है, 3 दिन का ब्रह्मास्त्र है। तो अभी ज्वाइन करें फ्री प्लान में। इसके बाद यहाँ पर एक चैंपियनशिप है, चैंपियनशिप जिसमें प्री MPPSC प्री 2020 के लिए, जिसमें यहाँ पर क्या है टॉप 3 विनर्स के लिए यहाँ पर क्या है अनअकैडमी के द्वारा 1 महीने का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। तो अभी इनरोल करें प्री चैंपियनशिप में और अपनी जो है MP प्री 2020 क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं, जो है अब टॉप 3 विनर्स में अपनी जगह बनाएं। और इसके बाद यहाँ पर जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैच के बारे में कि कौन सा बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा कब से स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके लिए बता दें हैं आपके लिए यहाँ पर प्री क्लियर करने के लिए रामबाण है, जो स्टार्ट हो चुका है आपका जो है 14 जनवरी से। तो अभी ज्वाइन करें, 60 दिन का कोर्स है, जिसमें आपको यहाँ पर अल्टीमेट 60 दिन का यह कोर्स है, जिसमें आपके डेडिकेटेड MCQ रिवीजन फॉर प्री 2020 के लिए यह उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से इसको ज्वाइन कर लें। इसके बाद प्री क्लियर करने के लिए बेहतरीन कोर्स ये भी आपका स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, जिसमें आपको यहाँ पर MPPSC प्री कोर्स में, जिसमें डेडिकेटेड सब्जेक्ट वाइज लाइव MCQ एवरी डे और आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो इसको भी आप ज्वाइन कर लें, 60 दिन का एक कोर्स है और लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रैक्स एक घातक बीमारी है जो खालिस्तान के कारण होती है, यानी कि किसके कारण यह बीमारी होती है, कवक, कृमि, विषाणु, जीवाणु। तो आपका जीवाणु यहाँ पर विकल्प नंबर जो 4 दिया गया है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 पूछा गया है कि एक विद्युत सेल में क्या अंतर है, एक विद्युत सेल में क्या होता है यह बताने हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में सही आंसर आपका क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वह है आपका, अगर आपसे आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताते जाएं, यहाँ पर आपका सही आंसर है कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक फसल क्षेत्र में डाला जाना चाहिए जो बहुत क्षारकीय यानी कि बेसिक है, तो बिना बुझा चूना या NPK या बुझा चूना या कार्बनिक पदार्थ, ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जो सही आंसर है वह आपके लिए यहाँ पर बताना है, तो 3 का सही आंसर है आपका क्या है, कार्बनिक पदार्थ आपका विकल्प नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी 2 धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। देखिए, काटा जा सकता है 2 धातुएं हैं, वह कौन सी वह 2 धातुएं हैं जिनको चाकुओं से काटा जा सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है आपका Na and K आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 2 जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है,
देखिए मानव नेत्र में लेंस एक वस्तु की छवि कहाँ बनाता है, तो छवि जो बनाता है वह मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र में जो लेंस है यह भाई एक वस्तु की छवि बनाता है, तो कहाँ पर बनाता है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। और 5 का आपका जो सही आंसर है वह है यहाँ पर राइट आंसर रेटिना, रेटिना यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है रेटिना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के आसपास एक परिक्रमा पूरा करता है यह निम्न को पूर्ण करता है, निम्न को पूर्ण करता है क्या होगा इसका सही आंसर यह बताना है, किसको पूर्ण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, यहां पर 4 विकल्प भी आपके यहां पर उपलब्ध हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है अपने अक्ष पर एक घूर्णन यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि कसकोटा बिना पत्तियों का लंबे समय जो है यहां पर, सॉरी यहां पर देखिए क्या है कि कसकोटा बिना पत्तियों का लंबे तार जैसा पौधा होता है, इसलिए वह खालिस्तान है, क्या है, परजीवी है, मृतोपजीवी भी है, कीटहारी है, असहजीवी है, ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह आपके लिए बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर, 7 का राइट आंसर परजीवी यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ, सॉरी 8 यहाँ पर क्या है, तो देखिए कि चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजरने पर दूधिया हो जाता है, ऐसा खालिस्तान के निर्माण के कारण होता है, खालिस्तान के निर्माण के कारण यानी कि किसके निर्माण के कारण है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वह है आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट विकल्प नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी वह प्लेट जो भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है निम्न है, तो निम्न है पृथ्वी का भूपरपटी या पृथ्वी की परपटी है या पृथ्वी की मेंटल या पृथ्वी का बाह्य कोना या पृथ्वी की आंतरिक कोर, ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है आपका पृथ्वी का परपटी विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है देखिए पवन की गति का मुख्य कारण क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताना है, 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, तो क्या है इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, तो 10 का राइट आंसर पृथ्वी पर असमान तापन यह आपका जो है विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि ध्वनि के कंपन का आयाम इसकी खालिस्तान को निर्धारित करता है, यानी कि किसको निर्धारित करता है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताना है कि ध्वनि के कंपन का आयाम इसकी खालिस्तान को निर्धारित करता है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा क्या है, प्रबलता विकल्प नंबर आपका 4 यहाँ पर सही आंसर है, प्रबलता आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है देखिए कि लंबे पेड़ों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी बल खालिस्तान होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल या चूषण बल या असंजक बल या चुंबकीय बल, तो ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है क्या है, चूषण बल आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 एक स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह खालिस्तान की तरह कार्य करती है, यानी कि किसकी तरह कार्य करती है, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह बताना है, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है अवतल दर्पण आपका विकल्प नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, अवतल दर्पण आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम निम्न महीनों के दौरान होता है, तो जून से सितंबर, नवंबर से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर, मई से जून, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का जून से सितंबर यानी कि विकल्प नंबर आपका 1 यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि नैदानिक थर्मामीटर का उपयोग इसे मापने के लिए किया जाता है, यानी कि किसे मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 15 है अपना
करना, चार विकल्प भी दिए गए हैं और आपका सही आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का मानव शरीर ताप, मानव शरीर ताप विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है कि लंबे पेड़ों की शाखाओं द्वारा बनाए गए प्राकृतिक आवरण को निम्न के रूप में जाना जाता है, आवास, कैनोपी, जंगल, क्राउन, ये आपके चार विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताना है और 16 का जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर क्या है, आपका राइट आंसर है कैनोपी, कैनोपी यानी कि विकल्प नंबर दो आपका यहां पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मीट्रिक प्रणाली इस देश में प्रस्तावित की गई है, फ्रांस में, भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ये आपके चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताना है, जो मीट्रिक प्रणाली इस देश में प्रस्तावित की गई है तो कहां पर, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपका जो है यहां पर वह है फ्रांस यानी कि विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉ का सबसे गर्म क्षेत्र निम्न होता है, तो आंतरिक क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताना है, चार विकल्प आपके यहां पर दिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा गया है, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका 18 का बाह्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र विकल्प नंबर चार आपका यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 19, सेक्स हार्मोन का मुक्त होना खालिस्तान द्वारा स्त्रावित हार्मोन के नियंत्रण में होता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपका जो है यहाँ पर वह है क्या है, 19 का राइट आंसर पीयूष ग्रंथि आपका विकल्प नंबर दो राइट आंसर है, पीयूष ग्रंथि आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है, लैंप और जेट एयरक्राफ्ट के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला पेट्रोलियम उत्पाद निम्न है, तो कौन है, सीएनजी है या किरोसिन है या डीजल है या कोल गैस है, तो ये चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर बताना है और 20 का सही आंसर है आपका बिल्कुल सही क्या है, किरोसिन आपका विकल्प नंबर जो दो है वह आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, मिट्टी को गहरी परतों में पानी की गति की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है, मिट्टी की गहरी परतों में पानी की गति की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है, निस्पंदन, अपचय, अंतःस्रवण या अपरदन, तो यह जो प्रक्रिया है यह कहलाती है क्या, अंतःस्रवण विकल्प नंबर आपका तीन यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर तीन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 पूछा गया है, एक कोशिका में जीन खालिस्तान पर स्थित होते हैं, तो किस पर स्थित होते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताना है, 22 का राइट आंसर बताइए, चार विकल्प दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है, और एक कोशिका में जीन खालिस्तान पर स्थित होते हैं तो क्रोमोसोम्स आपका सही आंसर है, क्रोमोसोम्स जो है एक कोशिका में जो जीन होते हैं क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 यहाँ पर पूछा गया है कि बीज जो कि जानवरों द्वारा परिक्षेपित होते हैं ये खालिस्तान युक्त होते हैं, खालिस्तान युक्त होते हैं, तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर यहां पर बताना है, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपका जो सही आंसर है वह है कांटे और हुक, कांटे और हुक आपका यहां पर विकल्प नंबर चार राइट आंसर है, बिल्कुल सही विकल्प नंबर चार आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 24 यहां पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया है कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन पोषण निम्न कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है यह आपके लिए बताना है, तो क्या कहलाता है बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका यहाँ पर और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्या, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है रेशम के कीटों का पालन पोषण निम्न में से कहलाता है सेरिकल्चर, विकल्प नंबर एक आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है कि जब भूकंप आता है तो ठहरने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान जो है वह बताना है, एक बड़े पेड़ के नीचे, घर के अंदर, वाहन के अंदर, खुले मैदान में, जब भूकंप आता है तो ठहरने के लिए जो अच्छे सबसे सुरक्षित स्थान जो है वह है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि विकल्प नंबर चार खुले मैदान, खुले मैदान जो है वह आपका यहां पर सही आंसर है, खुले मैदान आपका राइट आंसर विकल्प नंबर चार राइट आंसर है।
क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो अभी ज्वाइन करें 10 महीने का फाउंडेशन बैच कोर्स, जिसमें आपकी यहाँ पर कंप्लीट जो है सिलेबस से कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। एमपी के टॉप एजुकेटर के माध्यम से लाइव क्लास उपलब्ध है, पीडीएफ नोट्स भी हैं और मेगा क्विज भी है। ये जो है 9 फरवरी से जो है स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से ज्वाइन कर लें। आप ऑलरेडी रिविजन कर रहे हैं और रिविजन देख रहे हैं तो यहाँ पर अचीवर कोर्स है, जिसमें आपके लिए यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश मीडियम में भी है, वही आपके लिए यहाँ पर अचीवर जो बैच है हिंदी मीडियम में भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। दोनों में एमपी के टॉप एजुकेटर आपके लिए यहाँ पर मिलेंगे और आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट जो है सिलेबस प्री एमपीपीएससी प्री का कंप्लीट सिलेबस और पीडीएफ नोट्स आपके लिए उपलब्ध यहाँ पर कराए जाते हैं। एमपी के टॉप एजुकेटर ये आपके लिए दिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर अपने सपनों को साकार करने के लिए अनएकेडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें एमपीपीएससी प्री एमपीपीएससी का मेंस जो है तैयारी करवाई जाती है आंसर राइटिंग के साथ 35 दिन में, वो भी हिंदी मीडियम के साथ। यहाँ पर लाइव क्लास है, पीडीएफ नोट्स है, वीकली मेगा क्विज है और आंसर राइटिंग सीरीज भी उपलब्ध है। 35 दिन का यह कोर्स है तो अभी ज्वाइन कर लें, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। अब बात करते हैं अनएकेडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे खरीदना है, तो सबसे पहले आपके लिए अनएकेडमी डाउनलोड करना है, एमपीपीएससी एंड व्यापम आपके लिए यहां पर सिलेक्ट करना है यहां पर, फिर इसके बाद आपके लिए प्लस पर क्लिक करना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके लिए जो है अनएकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, 1 महीने का 3 महीने का 6 महीने का और यहाँ पर 12 महीने का और 24 महीने का। ये जो सब्सक्रिप्शन है आप कोई सा भी यहाँ पर जो है खरीदेंगे 10% डिस्काउंट भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। तो आज ही अनएकेडमी ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप जाकर अनएकेडमी ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए अनएकेडमी के साथ। तो इस प्रकार अपनी यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, कितने आपसे सही बने हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।